नाम है मुनीषा और मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं निधि कंपनी से संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में। हम बात करेंगे कि निधि कंपनी के कितने ब्रांचेस हो सकते हैं, कितना ब्याज दर निधि कंपनी चार्ज कर सकती है और डिपॉजिट्स पे कितना ब्याज दर पे कर सकती है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक निधि कंपनी 5 लाख के कैपिटल के साथ में रजिस्टर हो सकती है, किंतु एक वर्ष के अंदर उसे कैपिटल 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करना होगा। साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे निधि कंपनी में, वो साल भर के अंदर 200 से कम नहीं होने चाहिए। अगली चीज जो हमें ध्यान देने वाली है वो यह है कि एक निधि कंपनी कितने ब्रांचेस तक ऑपरेट कर सकती है। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल पैरामीटर है जिसे हर एक निधि कंपनी को पार करना पड़ेगा। यह फाइनेंशियल पैरामीटर कुछ इस प्रकार है कि जब एक निधि कंपनी नियमित 3 वर्षों तक प्रॉफिट शो करती है, तभी वह एक से ज़्यादा ब्रांचेस ऑपरेट कर सकती है और वह ब्रांचेस 3 तक सीमित रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में। यदि कोई निधि कंपनी 3 से ज़्यादा ब्रांचेस किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर ब्रांचेस ऑपरेट करना चाहती है, तो उसे रीजनल डायरेक्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आइए जानते हैं कि एक निधि कंपनी मैक्सिमम कितना लोन किसी एक व्यक्ति को दे सकती है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जब तक एक निधि कंपनी का कैपिटल 10 लाख रहता है, तब तक वह अपने कैपिटल के 20 गुना तक डिपॉजिट ले सकती है, यानी कि 10 लाख तक के कैपिटल पे एक निधि कंपनी 2 करोड़ तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। यदि कोई निधि कंपनी 2 करोड़ से अधिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में जाके अपना कैपिटल इंक्रीज करवाना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है। तो जब तक एक निधि कंपनी का टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 2 करोड़ रहता है, तब तक वो किसी एक मेंबर को 2 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता। जब एक निधि कंपनी का डिपॉजिट 2 करोड़ से 20 करोड़ के भीतर होता है, तो वह प्रति व्यक्ति 7.5 लाख तक का लोन दे सकती है। 7.5 लाख से ज़्यादा लोन देने के लिए निधि कंपनी को अपना टोटल डिपॉजिट 20 करोड़ से अधिक करना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक निधि कंपनी सिर्फ सिक्योर्ड लोन प्रदान कर सकती है, तो वो कौन सी सिक्योरिटी है या वो कौन से असेट्स हैं जिनके अगेंस्ट एक मेंबर लोन ले सकता है निधि कंपनी के थ्रू। आइए नजर डालते हैं इन असेट्स पर। ये कुछ इस प्रकार हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और किसी भी अन्य प्रकार की ज्वेलरी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या कोई भी अन्य गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई सिक्योरिटी या इंश्योरेंस पॉलिसी। अगली बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि एक निधि कंपनी अपने द्वारा प्रदान किए गए लोन पे कितना अधिकतम इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है और अपने द्वारा एक्सेप्ट किए गए डिपॉजिट्स पे कितना इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो दोनों चीज़ें आपस में संबंधित हैं। निधि कंपनी आम बैंकों की तरह सेविंग डिपॉजिट, आरडी और एफडी तीनों तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। सेविंग डिपॉजिट पे अधिकतम 6% दे सकती है और आरडी और एफडी पे एक निधि कंपनी अधिकतम 12.5% का ब्याज दे सकती है। जब बारी आती है अपने दिए गए लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करने की, तो निधि कंपनी को यह ध्यान में रखना पड़ता है कि तीनों डिपॉजिट्स में से जो सबसे अधिकतम ब्याज वाला डिपॉजिट होता है, उस पे एक 7.5% आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई परसेंटेज रेट ऐड करके जो भी संख्या बनती है, वह उसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो वह अपने द्वारा दिए गए लोन पे चार्ज कर सकती है। इस तरह अगर देखा जाए तो कोई भी निधि कंपनी जो अपने द्वारा एक्सेप्ट किए गए डिपॉजिट्स पे 12.5% तक का ब्याज देती है, तो वह चार्ज करते टाइम 12.5% में अगर हम 7.5% जोड़ें तो 20% तक का ब्याज चार्ज कर सकती है। कोई भी निधि कंपनी 20% से अधिकतम ब्याज नहीं चार्ज कर सकती है। तो आप
आपने देखा कि एक निधि कंपनी क्या क्या काम और किस किस प्रकार से कर सकती है, किंतु निधि कंपनी के भी कुछ अपने दायरे हैं। आइए इन पे नजर डालते हैं। तो कोई भी निधि कंपनी किसी भी चिट फंड, हायर परचेज, लीज फाइनेंस या इंश्योरेंस से संबंधित काम नहीं कर सकती है। कोई भी निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो। कोई भी निधि कंपनी अपने अकाउंट होल्डर्स का करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है। कोई निधि कंपनी किसी और कंपनी के सिक्योरिटीज या शेयर्स को नहीं परचेज कर सकती, ना ही कि किसी और कंपनी में अपना भागीदारी साबित कर सकती है। और कोई भी निधि कंपनी लेंडिंग और बोरोइंग के अलावा किसी और काम में एंगेज नहीं हो सकती है। इनके अलावा हर एक निधि कंपनी को कुछ और छोटी सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे निधि कंपनी अपने मेंबर्स के अलावा किसी और से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। निधि कंपनी कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं कर सकती है अपने मेंबर्स का सिक्योरिटी के तौर पे। निधि कंपनी किसी और कंपनी से डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ना ही वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंतर्गत आ सकती है जिसमें बोरोइंग और लेंडिंग का काम होता हो। आखिर में चर्चा करते हैं निधि कंपनी के डायरेक्टर से संबंधित प्रावधानों के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति यदि एक निधि कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर अपना अंतराल सर्व कर रहा है, तो वह मैक्सिमम 10 वर्षों तक एक निधि कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंटेड रह सकता है। इसके बाद वह पुनः 2 साल के अंतराल के बाद में अपॉइंट हो सकता है। यदि किसी निधि कंपनी में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, तो वह एक मान्य समय तक अपॉइंटेड रहेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार का निर्देश रहेगा। अंततः जानते हैं कि एक निधि कंपनी डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। यदि कोई निधि कंपनी अपने द्वारा कमाए गए प्रॉफिट्स को अपने मेंबर्स के बीच में भाग करना चाहती है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो 25% से ज़्यादा प्रॉफिट्स डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते। सिमिलरली 25% का ही जनरल रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा एक निधि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। साथ में इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि हर एक मैच्योर्ड डिपॉजिट्स को उनके इंटरेस्ट के साथ में रीपे कर दिया गया है और निधि कंपनी ने अपने पे लागू हर एक नियम का पालन किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वापस आएंगे कुछ और विषयों के साथ में, और कैसे एक निधि कंपनी के एनुअल कंप्लायंसेस को पूरा किया जाए इस बारे में चर्चा करने के लिए। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।